जब हम जिंदा राज कहते हैं तो लोगों को बेचैनी लगता है। सैया भेल कोतवाल अब दर काहे का। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी बिहार को गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। हिम्मत, संपत्ति जब्त करिए, स्पीडी ट्रायल चला करके। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बीते दिन एक तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां बिहटा में खनन पदाधिकारी जो महिला हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, जिसके बाद लगातार ये बड़ा मामला बिहार में बनता जा रहा है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जमकर सरकार पर निशाना साधा, कहा है कि जब हम जंगल राज की बात करते हैं तो इन्हें दुख होता है, गुंडा राज की बात करते हैं तो उन्हें दुख होता है। किस तरीके से ये घटना हुई, कौन है इसके जिम्मेदार, जब आपके मंत्री ही इस तरीके के होंगे तो क्या होगा। इतना ही नहीं, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पूरा बयान सुने आप। महिला भी खनन पदाधिकारी हैं और बेतरतीब पिटाई की गई है, वो लोग घायल हैं, हॉस्पिटलाइज होने, बिहटा के का मामला है। देखिए, बिहार में जब हम गुंडा राज कहते हैं तो लोगों को बेचैनी लगता है। जो अभी ये बिहटा का आया है सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, इससे बड़ा गुंडा राज क्या होगा। सैया भेल कोतवाल अब डर काहे का। आज खनन विभाग के अंदर खनन पदाधिकारी को, खनन निरीक्षक को जिस तरह से उस महिला पदाधिकारी को पीटा जा रहा है, धिक्कार है सत्ता में बैठे लोगों को। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी जरा देखिए किस तरह से बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया बिहार को गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, किसके बल पर कर रहा है। क्योंकि सत्ता में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात बैठी है और उसको लगता है कि मेरा आका मुझको संरक्षण करेगा। इसके पहले भी हजार राउंड गोली चला, आपने उसको दाब दिया। यही माहौल बिहार के अंदर दहशत पैदा कर रहा है। पदाधिकारी आज डर से अपनी कर्तव्य और जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। क्या करिएगा, दो चार को पकड़ के जेल भेजिएगा, एक महीने में जमानत हो जाएगा, छूट करके आएगा, फिर और बढ़ चढ़ के गुंडे करेगा। है हिम्मत, ऐसे जो खनन के पट्टा और जो लोग सम्मिलित है उसके संपत्ति जब्त करिए, स्पीडी ट्रायल चला करके। नहीं कर पाइएगा, न बालू माफिया पर आप एक्शन ले सकते हैं, न दारू माफिया पर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप सत्ता के लिए समझौता कर चुके हैं और सत्ता की जी हजूरी में इन गुंडों को खुलेआम आप मौका दे रहे हैं गुंडे करने का। जब आपके जिलाधिकारी कह रहा है, स्वीकार कर रहा है, पूरा वीडियो वायरल है, जब पदाधिकारी डर जाएगा कौन ये माफिया, बालू माफिया को कौन फिर रोकेगा और कैसे आप कर पाइएगा कार्रवाई। इतनी बड़ी मिली भगत और इतनी बड़ी अव्यवस्था पर अगर जो आप धृतराष्ट्र बने रहेंगे तो बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। तो आपने साफ सुना किस तरीके से बिहटा में बीते दिन जो तस्वीरें सामने आई है, खनन पदाधिकारी पर जो लाठियां चलाई गई हैं, बालू माफियाओं के द्वारा लाठियां चलाई गई हैं, उसको लेकर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि हम जब गुंडे राज की बात करते हैं तब आपको समझ में नहीं आता, अगर है सरकार में हिम्मत तो तमाम लोगों का संपत्ति जब्त करे, स्पीडी ट्रायल कराए और तमाम लोगों को सजा दें। जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं लगातार बिहार में, जंगल राज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा ने जमकर सरकार पर निशाना साधा है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।